कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि बीते दिनों जिला हमीरपुर में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों को तुरंत राहत राशि आवंटित होनी चाहिए तथा सभी मरम्मत कार्य प्राथमिकता के आधार पर अतिशीघ्र पूरे होने चाहिए। राहत एवं पुनर्वास कार्यों में कोई भी विलम्ब नहीं होना चाहिए। शुक्रवार को यहाँ हमीर भवन में जिला स्तरीय राहत एवं पुनर्वास समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए चंद्र कुमार ने जिला के अधिकारियों को ये निर्देश दिए। एक रोग जो है वो आजकल मक्की का के साथ काफी ज्यादा जो है देखने को मिल रहा है, किसानों को काफी नुकसान। देखिए, ये जो हमारा थोड़ा ये जो ग्रीष्म का एरिया है जैसे सब ट्रॉपिकल एरिया है, उसमें इस प्रकार का पिछली बार भी हुआ था। उसमें मैंने पहले इंस्ट्रक्शन दी थी कि हमारे लोग मक्की का बीज जो है वो खुद घरों में रखते हैं। हमने कहा कि कोई भी उस बीज को मत लगाए, जो हम दोबारा हाइब्रिड बीज दे रहे हैं उसको आप लगाइए। कुछ लोगों ने वो दोबारा वही बीज लगा दिया, जिससे वो क्योंकि एक तितली जो होती है उसमें 1.5 लाख अंडा देती है, वो जाते नहीं हैं, उसके लिए स्प्रे भी करो तब भी नहीं जाते। तो मैंने कहा इसका तरीका यही था कि आप इस पूरे सीड को ही रिप्लेस कर दो। उन्होंने नहीं किया बीच में और लोगों ने वही पुराना सीड लगा दी और वो काफ़ी इंसेक्टिसाइड विंडीसाइड्स देने के बावजूद भी वो कीड़ा जो है वो क्योंकि अंदर चला जाता है, फिर वो तैयार हो जाएगी तो उसमें फिर चला जाएगा, फॉडर में चला जाता है। तो आप स्प्रे वगैरह करके उसका कुछ तो समाधान निकाल रहे हैं, लेकिन कोई इतनी सक्सेस स्टोरी नहीं है। ये तो मैं आपसे सहमत हूँ कि ये काफ़ी इससे जो है नुकसान होगा।